स्टार्टअप फंडिंग के लिए प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। चलो तो टोटल इन 13 स्लाइड होगी, जिनमें सबसे पहला स्लाइड होगा इंट्रोडक्शन का, जहां पर कंपनी का नाम, लोगो, सबटाइटल में सीड फंडिंग और ये सारी चीजें लिखनी है। सेकंड स्लाइड होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जहां पर आप मेंशन करोगे कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो और उसके पेन पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करोगे। थर्ड स्लाइड होगा सॉल्यूशन का, आप उस प्रॉब्लम की क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फोर्थ स्लाइड होगा मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट की साइज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके टारगेट मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल्स कितनी हो सकती है, ये सारी चीजें मेंशन करोगे विद डेटा एंड स्टैटिक्स। फिफ्थ स्लाइड बिजनेस मॉडल, जैसे आप पैसे कैसे कमाओगे, रेवेन्यू स्ट्रीम, कंज्यूमर सेगमेंट, सेल्स चैनल, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे। सिक्स्थ स्लाइड ट्रैक्शन, आपके माइलस्टोन क्या रहे, अचीवमेंट्स, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, यूजर मेट्रिक्स एंड ऑल। सेवन्थ स्लाइड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, एक्सप्लेन योर कॉम्पिटिशन, व्हाट मेक्स योर स्टार्टअप यूनिक एंड ये सारी बातें। 8th स्लाइड मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है टू अक्वायर द कस्टमर। 9th स्लाइड होगा टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टीम। 10th स्लाइड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मतलब करंट फाइनेंशियल्स क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्शन, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ग्रोथ मैट्रिक्स एंड समरी ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स। 11th स्लाइड फंडिंग आस्क, आपको कितना अमाउंट चाहिए विद क्लियरिटी। 12th स्लाइड होगा यूज ऑफ फंड, फंड के एलोकेशन को आप ब्रेक डाउन करोगे, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, हायरिंग में कितना क्या लगेगा। 13th स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एग्जिट स्ट्रेटजीज, आप इन्वेस्टर्स को उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी डिस्कस करोगे, जैसे एक्विजिशन एंड आईपीओस। 14th स्लाइड में आप रिस्क क्या है, उसको मिटिगेट कैसे क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर ये रियल इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी नाउ। टिल देन हैप्पी स्टार्टअप।